तो गाइस, तो आज आपको दिखाने वाले हैं अलीगढ़ की कुछ मार्केट हैं। तो सबसे पहले अलीगढ़ की सबसे पुरानी मार्केट मैं आपको विजिट कराने वाला हूँ। और सबसे पुरानी अगर मार्केट की बात करी जाए अलीगढ़ की, जहाँ पे भाई अलीगढ़ का सेंटर मान सकते हो या हब मान सकते हो या अलीगढ़ की शुरुआत मान सकते हो, तो वह है बारह द्वारी। और मैं अभी नियर बारह द्वारी हूँ। आप देख सकते हो SBI बैंक है, यहाँ से 50 मीटर आगे बारह द्वारी चौराहा है। और तो अभी जो है हम पहुंचने ही वाले हैं बस। तो ये है भाई बारह द्वारी चौराया, आप देख सकते हो। ऊपर सीधे जाएंगे तो जो है ऊपर कोर्ट की तरफ चले जाएंगे, इधर जाएंगे तो दिल्ली गेट की तरफ चले जाएंगे, और इधर आप जाएंगे तो मैं आपको बता देता हूँ दो रास्ता कटेंगे यहाँ से, दोनों के बारे में बता दूंगा आपको। ये यहाँ पे एक चौराहा है, फिर से अगर आप सीधे जाएंगे तो मामू भांजा होते हुए सीधा पहुँचेंगे आप, सीधे से मामू भांजा होते हुए सीधे पहुँचेंगे आप जो है गांधी पार्क। और इधर से जाएंगे तो सीधा जो मैंने भी रास्ता बताई थी ऊपर कोट वाली वो है ये। और इधर से जाएंगे तो मैं आपको बता दूँ ये जाती है आपकी सीधी मलकान सिंह, जो आपने हॉस्पिटल देखा है उसके लिए रास्ता गई है सीधी, यानी कठपुला के लिए गई है सामने वाली रास्ता, सीधी जाएगी कठपुला के लिए। तो आगे मलकान सिंह होते हुए मैं आपको लेके जाऊंगा, दिखाऊंगा भी मलकान सिंह कहाँ पड़ता है। तो अभी मैं चल रहा हूँ मलकान सिंह रोड पे ही चल रहा हूँ, बारह द्वारी की तरफ से चल रहा हूँ मलकान सिंह की तरफ, आप देख सकती हो। और यहाँ का मार्केट आप देख सकती हो। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन और कुछ फर्नीचर की शॉप हैं। इधर काफ़ी शॉप हैं इस रोड पर फर्नीचर की, अगर आप देखना चाह रहे हैं तो। कुछ जनरल स्टोर भी हैं बड़े बड़े। और ये रही आपकी, इसे बोलते हैं कोयले वाली गली, यहाँ से आप सीधा रामघाट सॉरी रेलवे रोड के लिए निकल सकती हो। और जैसा कि आप देख सकते हो मेडिकल की दुकान है टोटल सारी की सारी, और ये मेडिकल की दुकान है। ये रहा आपका जो है मलकान सिंह, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार रोक के बाइक को साइड में। तो ये है मलकान सिंह, आप पहला गेट है, अगर आप बारह द्वारी की तरफ से आएंगे तो एक गेट और आगे है। और बाकी आप इधर देखेंगे तो आपको सारी की सारी मेडिकल की शॉपें मिल जाएंगी, और कुछ प्लास्टिक के ड्रम की भी शॉपें हैं कुछ, आप देख सकते हो जिला मलकान सिंह। और वो गेट नंबर 2 था और ये गेट नंबर 1 है, आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है गेट नंबर 1, और जो मैंने पहले विजिट कराया था वो गेट नंबर 2 है। और ये कुछ मेडिकल की शॉपें हैं इधर देख सकते हो आप। और यहीं इसी रोड पर यामा का शोरूम भी है, मैं वो भी आपको विजिट कराऊंगा, वो शायद से पीछे रह गया या हाँ नहीं आ गया, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। अलीगढ़ में मैंने जहाँ तक देखा है अभी तक मैंने एक ही शोरूम देखा है यामा का, वो यही है। तो आप देख सकते हो ये यामा का शोरूम है यहाँ पर, और आपकी V3 लगी हुई है जो है स्पेशल एडिशन मॉनिस्टर वाली, आप देख सकते हो बाहर दिख रही होगी, मैं आपको जूम करके दिखाना चाहूँगा इधर बाइक लवर्स के लिए। भाई ये देखो, आई थिंक आपको देख पा रही होगी, तो ये है ये यामा का शोरूम है भाई, देख लो मलकान सिंह से थोड़ा 10-20 मीटर आगे होगा मुश्किल से, और कठपुला से तो 50 मीटर ही है बस। आई कठपुला है, कभी कठपुला लेके चलते हैं आपको, अग्रसेन चौराहा जो बोलते हैं, अग्रसेन चौराहे से आप कठपुला पे चढ़ते हो। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा, आप यहाँ देखिए यहाँ पे थोड़ा आपका जो है जो वही चिकन के शौकीन होते हैं, जो वेज खाते हैं वेज के शौकीन होते हैं, तो यहाँ पे वेज मिलता है भाई, बहुत बहुत मार्केट है यहाँ भी, मतलब वेज का मार्केट समझ लो एक तरह से, यहाँ पे आप हम मान लो बहुत वेज है इधर। तो ये आ गया भाई हमारा श्री अग्रसेन चौक, आप जैसा कि आप आगे बोर्ड पे पढ़ पा रहे होंगे श्री अग्रसेन चौक। और घूमते हुए मैं जाऊँगा आपको आज रेलवे स्टेशन दिखाते हुए, और बाइक की एक दो मार्केट है, और मैं आपको आप सीधे जाएंगे ना सर तो इसे GT रोड बोलते हैं,
ये आपका जीटी रोड है और ये कठपुला के लिए चले जाएंगे आप इधर से। और अगर आप इधर से जाओगे तो सीधा हम चल रहे हैं अभी बस स्टैंड की तरफ, जीटी रोड भाई अग्रसेन चेक पे ही चल रहे हैं हम घूम के अभी रेलवे स्टेशन की तरफ। और जैसे कि मालवीर पुस्तकालय, ये एक लाइब्रेरी है, आप ये जो मैं देख रहे हैं मेरे बराबर में राइट हैंड पे जो मैं दिखा रहा हूँ आपको सामने, ये एक लाइब्रेरी है, अच्छी लाइब्रेरी, बड़ी लाइब्रेरी है। और बात करें यहीं रेलवे स्टेशन के सामने ही पास में एक तिब्बत ये मार्केट लगता है, ये आप देख सकते हो तिब्बत, ये 3-4 महीने लगता है, सर्दियों के मौसम में ही लगता है ये वाला मार्केट, इस टंकी के बराबर में, इंडियन ऑयल के बराबर में थोड़ा सा आगे। और बाकी आप मेरे जो है लेफ्ट में देख रहे हो, इधर मैं जो दिखा रहा हूँ आपको सामने ये लेफ्ट में, ये रेलवे स्टेशन है भाई, अभी काम चल रहा है, इस पर बड़ा हो रहा है, काफ़ी तरक्की हो रही है अलीगढ़ के रेलवे स्टेशन पर। और यहाँ पर जितने भी कोरियर आते हैं वो इधर आते हैं इस वाले मार्केट में, यहीं पर यहाँ जितने भी कोरियर आएंगे दूर दूर से वो यहीं आते हैं। और अभी हम पहुँच चुके हैं भाई रेलवे स्टेशन के गेट पर सीधा, आप ये देखोगे तो ये है रेलवे स्टेशन अलीगढ़ का, पीछे बोर्ड लग रहा है ये मैंने दिखा दिया होगा, ये दिख रहा होगा आपको, और ये रेलवे स्टेशन है इधर, और इधर जो है आपका रामघाट जो सॉरी रेलवे रोड है ये भाई बहुत मशहूर रोड है, इसको भी मैं किसी दिन आपको विजिट कराऊंगा, अभी तो नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन किसी दिन इस वाले जो है रोड को भी मैं विजिट कराऊंगा। और इधर आप देख सकते हो जैकेट्स का हब और बैग्स का हब है भाई, यहाँ आपको बहुत जैकेट और हब जो है बैग्स मिल जाएंगे। इधर आप सीधे जाओगे तो गांधी पार्क बस स्टैंड है, थोड़ा सा आगे यहाँ से, ज़्यादा नहीं 50 मीटर आगे है, और ये आ गए हम बाइक की मार्केट में। और पीछे रेलवे स्टेशन के सामने एक मार्केट थी फपाला मार्केट, जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो जाके देख लेना, मैंने सारी बाइक की शॉप्स को वहाँ पर मैंने एक्सप्लोर किया था, एक एक करके विजिट कराया था, किस तरह की मॉडिफिकेशन होती है, क्या क्या मॉडिफिकेशन के आपको सामान मिल सकते हैं, तो वो वीडियो भी आप जाके देख सकते हो। वहाँ से हो जाता है सर्विसिंग का काम चालू, यहाँ पे भी मार्केट जो है बाइक जो है मार्केट का जो है बाइक का मार्केट है ये भी, यहाँ पे भाई सर्विस होती है गाड़ियों की, मुझे लगता है आज से ज़्यादा अलीगढ़ की गाड़ियाँ यहीं पे सर्विस होती होगी, ये बहुत बड़ा मार्केट है। और बाकी ट्रैफिक बहुत मिलने वाला है इधर, देखो R15 V2 V3 वो खड़ी है इधर, तो R15 की जो है इस वाले दुकान पर सर्विस होती है जहाँ तक मैंने देखा है, यहाँ पर R15 ही मुझे दिखती है, मैं बहुत ज़्यादा उधर हो के, तो ये जो पीछे भी मैंने दिखाई थी शॉप, वहाँ पर यामा की गाड़ियों की सर्विस होती है, R15 मीन्स यामा की गाड़ियों की सर्विस होती है, अच्छा होगा भाई कोई, और जहाँ तक मैंने देखा यहाँ पर यामा की गाड़ी आती है इसी शॉप पर। बाकी आप इधर देखोगे आपको मैं ये दिखा देता हूँ, अगर आप इधर जाओगे तो बस स्टैंड ही है भाई ये, और यहाँ आप पूरा मार्केट देखो पूरी की पूरी भाई, ये बाइक का ही मार्केट है, यहाँ पे बाइक सर्विसिंग का, पार्ट्स का, प्लास्टिक के पार्ट्स, सारे पार्ट्स मिल जाएंगे आपको इस मार्केट में। और ये सामने ही 50 मीटर आगे मार्केट जो है बस स्टैंड है, आगे से भी आ सकते हो, यहाँ से भी बस स्टैंड जा सकते हो। बाकी ये देखिए इधर बाइक का ही काम चल रहा होगा, पूरा का पूरा मार्केट भाई बाइक का ही है, सर्विस का, इसका बाइक सर्विस का, पार्ट्स का, आप देख सकते हो, आराम आराम से दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये देखिए, और मैं आपको ये भी बताऊंगा ये रोड कहाँ पर जाता है, आगे कहाँ जाके मिलता है। तो कुछ यहाँ तक आपको ये बाइक का मार्केट था, अब यहाँ पे कुछ गोडाउन टाइप के हैं यहाँ पर, तो यहाँ से थोड़ा हम अब जल्दी चलते हैं स्पीड में, ये आप गोडाउन है, मुझे नहीं पता किस तरह के गोडाउन है, क्या काम, क्या यहाँ स्टॉक रखा जाता है, क्या होता है, देख सकते हो यहाँ कुछ इस तरह का सामान है, ट्रक बड़े बड़े ट्रक में लगेंगे खड़े हुए जिनमें सामान आता है। और यहाँ से आगे भैया मीनाक्षी पुल के नीचे आ गए हम जस्ट, और मीनाक्षी पुल के नीचे जो छोटा वाला पुल है उस पर क्रॉस होते हुए मीनाक्षी हॉल के जस्ट सामने जाने वाले, मीनाक्षी हॉल के सामने ही मेरा, मैं आपको बता दूँ, नहीं मैं नहीं बता, तो भाई मैं मीनाक्षी हॉल के जस्ट सामने ही रहता हूँ, एग्जैक्ट जो है अपना एड्रेस नहीं दूँगा मैं, क्योंकि भाई भीड़ हो सकती, कोई ना कोई मतलब आ जाएगा फिर मिलने के लिए, और फिर मेरा चलता रहता है, मैं रेंट पर रहता हूँ, मेरा कोई घर नहीं है इधर भाई, तो चेंज भी कर सकता हूँ, तो इसलिए कोई परमानेंट एड्रेस नहीं है, करंट में तो यहीं रह रहा हूँ मैं। और जैसा कि आप देख रहे हो मैं पुल पर चढ़ चुका हूँ भाई, इधर देखोगे तो रेलवे स्टेशन है इधर,
इधर रेलवे स्टेशन है और इधर मार्केट है आगे। तो आप सामने देख पा रहे होंगे मेरे रेल खड़ी हैं, बहुत सारी रेल खड़ी हैं, रेलगाड़ियाँ, और हम पुल से नीचे उतर चुके हैं। तो अभी चल रहे हैं हम भाई मीनाक्षी पुल के नीचे, और इन सड़कों के बारे में बता देता हूँ मैं, अभी यहाँ खड़े होकर आराम से बताऊँगा। अगर आप सामने जाएंगे इधर, इधर पड़ेगा रेलवे स्टेशन सामने जस्ट, और इधर जाओगे तो सीधा मीनाक्षी हॉल है, आगे मैं दिखा दूँगा। आगे जाओगे सेंटर पॉइंट पड़ जाएगा, रामघाट रोड आ जाएगा, और ये आपका जो है नीचे होके वहाँ निकलता है सॉरी नौरंगाबाद पर जाकर निकलेगा ये रोड। सीधे जाओगे आप इधर की साइड तो इधर से नौरंगाबाद पहुँचोगे आप। तो चलें आगे चलते हैं आप, ये देख सकते हो आप, ये आगे आपका रेलवे स्टेशन और इधर आपका मीनाक्षी हॉल है जिसकी मैं बात कर रहा था। हमारी लास्ट आज की जो डेस्टिनेशन मीनाक्षी हॉल रहने वाली है। तो अब मैं पहुंच चुका हूँ मीनाक्षी हॉल के जस्ट सामने। तो आप देख सकते हो ये है मीनाक्षी हॉल, इधर आई थिंक आपको दिख रहा होगा ये, ठीक है। तो यहीं तक की आज की अपनी डेस्टिनेशन थी, और अभी मैं जा रहा हूँ भाई अपने फ्लैट पर। तो अब वीडियो में यहीं एंड करता हूँ, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।